साथियों नमस्कार, मैं रामबाबू पटेल तेल से। आज हम स्वर लगाने के छह तरीकों को सीखने वाले हैं। एक ही स्वर को छह तरीके से किस प्रकार से लगाया जाता है, आज हम उसको समझेंगे। छह तरीके, सबसे पहला तरीका हम देखते हैं। सबसे पहला तरीका है किसी भी स्वर को बिल्कुल हल्के से लगाना, पतली आवाज के साथ लगाना। हम उस समय मुंह बहुत कम खोलेंगे, हो सके तो ना भी खोलें तब भी वो आवाज निकल जाएगी, या बहुत कम मुंह खोलने के साथ इस स्वर को लगाया जाएगा। एक ही स्वर को छह तरीके से लगाने का तरीके में ये पहला तरीका है। इस साउंड को आप सुनिए, साउंड यही का यही रहेगा, लेकिन हम छह तरीके से इस साउंड के साथ अपनी आवाज को मिलाएंगे। पहला तरीका है, आप इस आवाज के साथ अपनी आवाज मिला के देखें। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका, हम इस पतले साउंड से अब मोटे साउंड की ओर जाएंगे, आवाज को ज्यादा खुली कर देंगे, मुंह खोल देंगे। आप इस आवाज को सुनिए, साउंड वही का वही है, केवल हम स्वर को लगाने का तरीका बदल रहे हैं। ये दूसरा तरीका है। अब पहले और दूसरे तरीके दोनों तरीकों को मिला के हम तीसरा तरीका बनाएंगे। पहले आवाज पतली रहेगी और पतली से आवाज फिर एकदम से ऊंची हो जाएगी। इस तरीके से आवाज का फोकस रहेगा। आप इस आवाज को सुनिए, आवाज वही की वही है। हम पतली आवाज से मोटी आवाज की ओर जा रहे हैं, आ से बड़े आ की ओर जा रहे हैं। दूर से आवाज पास आ रही है, आप ऐसा भी इसको समझ सकते हैं। पहली आवाज दूर की आवाज थी, दूसरी आवाज बिल्कुल पास आ गई थी। तीसरी आवाज लगाने का तरीका, दूर से हम पास की ओर आ रहे हैं। अब हम चौथे तरीके की ओर चलते हैं। चौथा तरीका भी पहले और दूसरे तरीके से मिलकर ही बनेगा। आवाज पास से दूर चली जाएगी। इस आवाज को कैसे लगाएंगे, साउंड वही है, केवल आवाज लगाने का जो तरीका है वो बदल रहा है। दूर चली जा रही है आवाज, पास से दूर जा रही है। ये चौथा तरीका था। पांचवा तरीका, दूर से पास आएगी, पास ठहरेगी आवाज और पास से पुनः फिर दूर चली जाएगी। ये हमारा पांचवा तरीका रहेगा।
से आवाज पास आ रही है, पास आके आवाज फिर दूर जा रही है। ये हो गया पांचवा तरीका। छठवा तरीका, आवाज पास से दूर चली जाएगी और दूर से फिर पास आ जाएगी। पास से आवाज दूर जा रही है और दूर थोड़ी देर ठहरेगी और दूर से फिर पास चली जाएगी आवाज। तो जब हम आलाप जारी करते हैं, आलाप लगाते हैं, तो आवाज को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लगाते हैं। आलापचारी में इन छह तरीकों का उपयोग होता है। अलग अलग राग के हिसाब से अलग अलग तरीके का आलाप लगाया जाता है। तो आप इन छह तरीकों की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि स्वर से लगाव लगाना, आवाज का अलग अलग तरीके से लगाना ही संगीत है कि आप किस तरीके से उस स्वर के साथ अपने आप को मिलाते हैं, स्वर के साउंड को समझते हैं कि कैसे साउंड ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। अभी हमने एक ही साउंड को, वही साउंड था, स्थिर साउंड रखकर उसी साउंड में हमने छह प्रकार की आवाजें लगाई हैं। इन छह तरह की आवाजों को आपको स्वयं समझना है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही।